हारमोनियम गुरु लेसन में आप सबका स्वागत है। मात्र 5 सेकंड में किसी भी गाने का सा कैसे पता करें या फिर किसी भी गाने का स्केल कैसे निकालना सीखें। लेकिन 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 एक चीज बताना चाहूंगा, वाक्य में ये चीज पॉसिबल है। 5 सेकंड में किसी भी गाने का सा भी पता किया जा सकता है, किसी भी गाने का स्केल भी पता किया जा सकता है। लेकिन ये चीज उन लोगों के लिए संभव है, उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो लोग संगीत के जानकार है, यानी कि जिन लोगों को राग की भी नॉलेज है, थाट की भी नॉलेज है, स्केल्स की भी नॉलेज है, यानी कि पूरे संगीत की नॉलेज रखते हैं, उन लोगों के लिए किसी भी गाने का स्केल निकालना, सा निकालना, हर एक चीज निकालना 5 मिनट का ही खेल है। लेकिन मैं बार बार लेकिन वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, लेकिन ये चीज उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है जो लोग संगीत में नए हैं। जैसे कोई कुछ बंदे 4 दिन से संगीत सीखना शुरू किया है, या फिर कुछ लोग महीने से संगीत में है, संगीत सीखना शुरू किया, या फिर कुछ लोगों ने 2 महीने या 4 महीने, उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से ये चीज 5 सेकंड में पता करी जा सकती है। ये चीज आपके लिए 5 सेकंड में करना पॉसिबल तब है अगर आप सा के पक्के हैं, यानी कि आपको स्केल की समझ है, यानी कि आपको स्वरों की, जैसे बोलते हैं ना स्वर ज्ञान, आप लोगों ने बहुत बार सुना है स्वर ज्ञान, स्वर ज्ञान। अगर आपको स्वर ज्ञान का मतलब क्या होता है कि आपको एक एक स्वर की साउंड का अनुभव होना, उसी को स्वर ज्ञान बोला जाता है। अगर आपको ज्यादा समय नहीं हुआ, मान चलिए आपको 1 महीना ही हुआ संगीत सीखते हो, या 2 महीने, अगर आपको स्वरों की समझ है, यानी कि स्वरों के ऊपर नीचे उतार चढ़ाव की समझ है, तो फिर आप भी 5 सेकंड में किसी भी गाने का सा पता कर सकते हैं, स्केल पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानकार है, स्वर ज्ञान नहीं आपको नहीं है, फिर आपके लिए 5 सेकंड में कोई भी गाना 5 साल में निकालने के बराबर हो जाएगा। चलिए अभी समझते हैं कि कैसे 5 सेकंड में गाने का सा पता किया जा सकता है। मान के चलिए मैंने गाना पकड़ा, सपोज करिए मैं अभी बिना स्केल लिए, बिना कुछ किए, मैं रैंडम एक गाना पकड़, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, जैसे मैंने, चलिए मैंने ये गाना गाया, तो इस गाने का स्केल क्या होगा? तरीका बड़ा ही सिंपल है। इस गाने का स्केल वही होगा जहां पे ये गाना आके पॉज करेगा, जहां पे ये गाना आके रुकेगा। जैसे कि लिखे जो खत तुझे, जहां पे तुझे वर्ड रुक रहा है वो उस गाने का स्केल है, वो तेरी याद में, ठीक है। यही गाने का स्केल, अभी यही चीज हम लोग कीबोर्ड के ऊपर ढूंढने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस गाने का स्केल क्या। लिखे जो खत तुझे, देखिए लिखे जो खत तुझे है ना, वो तेरी याद में। देखिए मैंने कोई गाने का, आपके सामने ही मैंने गाना पकड़ा, गाना अपने मन से गाया, बजाने के पहले मैंने बजाया नहीं, उसके पहले मैंने गाया, बाद में स्केल पकड़। जैसे इसी के ऊपर एक और गाना, मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा, तेरी गलियों में महाबत होगी, ठीक है। मैं गाने में इतना अच्छा नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि मैं काफी टाइम समय से बोल रहा हूं तो मेरे को सांस फूल रही है, ठीक है। लेकिन तरीका समझिए, मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो चीज समझ, जैसे मैंने भी ये पकड़ा, मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा, तेरी गलियों में महाबत होगी, जहां पे होगी खत्म हो रहा है, ठीक है, वो गाने का सा। देखिए वहीं पे आ गया है ना ये सा, देखिए के कमर, तो देखिए वहां प्यारा, जहां पे गाना ठहरा उसी वही, जहां पे गाना आके रुकता वही गाने का स्केल होता है। भले आप कोई भी गाना, जैसे कोई भी गाना पकड़े, तरीका सिंपल रहेगा। लेकिन ये चीजें पॉसिबल तभी हैं जब आपको गाना बजाना होता है। गाना बजाना आ गया तो फिर तो आपको स्केल अपने आप ही आ गया है ना। ये चीजें पॉसिबल तब हैं जब आपने सारे थाट कर रखे हैं, सारे स्केल कर रखे हैं, आप स्केल में भी पक्के हैं, रागों में भी पक्के हैं, थाटों में भी पक्के हैं, फिर ये चीजें पॉसिबल है। एक बिगिनर के लिए ये चीजें पॉसिबल नहीं है, उसको समय लगेगा। मैं आपको यही चीज कहूंगा, गाना खोजने के चक्कर में, गाने की जल्दबाजी के चक्कर में आप मत पड़िए। आप संगीत का पहले बेसिक क्लियर करिए, यानी कि अपने थाट पक्के करिए, राग पक्के करिए, अपना स्वर ज्ञान करिए। जब आपको स्वर ज्ञान हो गया ना, मैं कहता हूं दुनिया के आपको किसी भी गुरु की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद गाना निकालने लग जाएंगे, बजाने लग जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं,
फलाना वीडियो देख लिया, 10 दिन में ऐसा हो जाएगा, 20 दिन में ऐसा हो जाएगा, 5 सेकंड में ऐसा हो जाएगा, वो ठीक है यार, वो डालना पड़ता है क्योंकि लोगों को हमें अट्रैक्ट करना है, तो अट्रैक्ट करने का ये तरीका है, ठीक है, इसलिए डालते हैं। लेकिन ये चीजें एक्चुअल में ऐसे पॉसिबल नहीं है, 5 सेकंड में कोई चीज नहीं हो सकती या 10 दिन में कोई चीज। संगीत एक ऐसी चीज है, पूरी उम्र भी लग जाओ तब भी नहीं सीखा जाता, मैं नहीं सीख पाया अभी तक तो, है ना, तो आप कैसे सीख जाओगे? तो ये चीजें समझो, ठीक है, बेसिक्स के ऊपर काम करिए। बेसिक जब आपके पक्के हो गए, आपको स्वर ज्ञान होगा, मैं कहता हूँ आंख बंद करके भी बजाओगे ना तब भी हारमोनियम बजेगा, तब भी गाना बजेगा, ठीक है, लेकिन पहले ये चीजें पकड़नी होगी, ठीक है, इस तरीके से। फिर दूसरी चीज है कि गाने के स्केल्स के बारे में बता दूं, कि गाने के स्केल कौन से हो सकते हैं। एक मेजर स्केल होता है, एक माइनर स्केल होता है, मेजर स्केल में कौन से राग आते हैं, माइनर स्केल में कौन से राग आते हैं। अगर मान चलो आपको पता करना है, जैसे मैं अभी ये गाना बजा रहा था मेरे महबूब कयामत होगी, तो ये कैसे पता चलेगा कि हमें ये कौन से स्केल में, मेजर स्केल में कि माइनर स्केल में? तो दो तरीके हैं, या तो आप कॉर्ड लगा के चेक करो, जैसे मैं अभी कॉर्ड लगा रहा हूँ, मेरे महबूब कयामत होगी, चलिए मैं टोन चेंज करता हूँ, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग्स लगा लेते हैं, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। जैसे कि ये स्केल में मैच कर रहा, तो मतलब सिंपल है कि ये गाना माइनर स्केल में। अब यहाँ पे मैं मेजर लगा देता हूँ, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों। तो देखिए, सुन के पता चला कि गाने का जो कॉर्ड है वो अलग सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज अलग चल, तो यहाँ से पता चला कि ये गाना मेजर स्केल में नहीं है, माइनर स्केल में। तो कॉर्ड लगा के भी चेक किया जा सकता है, जैसे कि अभी ये गाना, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के, है ना, तो ये पता चल रहा है कि स्कॉर्ड में मैच कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे कॉर्ड चेंज करता हूँ, यानी कि माइनर की जगह मैं माइनर की जगह मेजर कर दूँ, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के, तो देखिए मैच नहीं कर रहा, तो मतलब ये गाना मेजर स्केल में नहीं है। इस तरीके से आप पता कर सकते हो किसी जिस भी जगह से, मान चलो मेरे को ये गाना दूसरी गाली से बजाना, मान चलिए मैं दूसरी गाली का माइनर कॉर्ड लगा, मेरे महबूब कयामत होगी, तो देखिए मैच कर रहा है, मतलब ये गाना माइनर में ही रहेगा, भले आप किसी भी कोने से बजाइए ये गाना माइनर में ही रहने वाला है, ठीक है। सेम मान के चलिए यही गाना मुझे, मान के चलिए मैं यहाँ पे मेजर कॉर्ड लगा देता हूँ, मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा, तो देखिए कॉर्ड अलग सुनाई दे रहा है, गाना अलग चल रहा है। तो इस तरीके से गाने का स्केल पता किया जाता है कि मेरा मेजर स्केल है कि माइनर। तो आप कोड लगा के किसी भी गाने के साथ गुनगुना के आप गाने का स्केल चेक कर सकते हैं। सो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि पूरा जो वीडियो रहा है इसमें आप डिटेल में समझ गए कि कैसे 5 सेकंड में गाना निकाला जा सकता है, कैसे स्केल निकाला जा सकता है, कैसे स्केल को पकड़ा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, मिलते अगले वीडियो में।